फ्रेंड्स, आप सब लोग मूवी देखने तो जाते ही होंगे, पर आपको पता है ये थिएटर वाले मूवी के टिकट्स बेचकर पैसे कैसे कमाते हैं? कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये फिल्म इंडस्ट्री पैसा कैसे कमाती है? तो चलिए आज जान लेते हैं। तो गाइज, ये है आज का नॉलेज, और वो भी है प्रैक्टिकल, और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी बनाने के लिए उसको चार पार्ट लगते हैं। फर्स्ट पार्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में स्क्रिप्ट जो है वो लिखी जाती है, और उसके ऊपर से उसकी स्टोरी लिखी जाती है, और स्क्रिप्ट के ऊपर से ही उसके डायलॉग लिखे जाते हैं। सेकंड पार्ट आता है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में डिसाइड होता है सबसे पहले लोकेशन, कि लोकेशन मूवी शूटिंग का कौन सा होगा। उसके बाद डिसाइड होता है कि हीरो हीरोइन कौन से लेने हैं। अगर सलमान खान को लेते हैं तो उसको देना होगा 60 करोड़ रुपीस। शाहरुख खान को और आमिर खान को लेते हैं तो उसको देना पड़ेगा 50 करोड़, और अगर अक्षय कुमार को लेते हैं तो उसको देना होगा 40 करोड़। अब बात आती है प्रोडक्शन की। तो जो मूवी की जो शूटिंग होती है, एक्चुअल शूटिंग होती है, वो प्रोडक्शन में ही होती है। मूवी के स्टार्टिंग से एंड तक शूटिंग के लिए जितने भी चीज़ें लगती है वो सभी प्रोडक्शन में आती है। तो अब बारी आती है फोर्थ पार्ट की, पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में जो हमारी मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो गई है उसमें एडिटिंग करना होता है, जैसे कि साउंड इफेक्ट एडिटिंग, विजुअल एडिटिंग और म्यूजिक एडिटिंग। और अब हमारी मूवी बनके तैयार हो चुकी है। ये मूवी बनाने के लिए जो भी खर्चा हुआ है, कैमरामैन का, हीरो हीरोइन का, आर्टिस्ट का, सिंगर का, डांसर्स का, वो सभी पैसा प्रोड्यूसर देता है। यानी कि प्रोड्यूसर मूवी बनाने का पूरा खर्चा उठाता है। तो अब प्रोड्यूसर ने मूवी तो बना ली, पर इस मूवी से वो पैसा कैसे कमाता है वो देख लेते हैं केस वन में। तो केस वन में जो नया नया प्रोड्यूसर होता है उसको पता नहीं होता है कि मूवी को कैसे रिलीज़ करते हैं, तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देगा थोड़े से ज़्यादा पैसों में। चलिए मान लेते हैं मूवी बनाने के लिए 100 करोड़ लगे, तो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को 150 करोड़ रुपए में बेच देगा, और प्रोड्यूसर 50 करोड़ के प्रॉफिट को लेकर घर चला जाएगा। और अब केस टू में प्रोड्यूसर खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले टीवी चैनल वालों को मूवी दिखाने का राइट्स बेच देता है, और टीवी चैनल वाले मूवी दिखाने का डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देती है। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी सेल करता है, और ये सब डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपने एरिया के जो थिएटर्स होते हैं उस थिएटर के ओनर के साथ एक एग्रीमेंट करता है, और ये थिएटर में अपनी मूवी रिलीज़ करवाता है। अब ये थिएटर के ओनर को एग्रीमेंट के हिसाब से सब डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं थिएटर के ओनर डिस्ट्रीब्यूटर को कितना पैसा देते हैं। अगर थिएटर सिंगल स्क्रीन होता है तो रेशियो होता है 25% और 75%, यानी कि 25% थिएटर के ऑनर का और 75% डिस्ट्रीब्यूटर का। अगर थिएटर मल्टीप्लेक्स है, यानी कि बहुत सारे उसमें मूवी स्क्रीन्स हैं, तो पहले वीक में रेशियो होता है 50-50%, यानी कि 50% थिएटर के ऑनर का और 50% डिस्ट्रीब्यूटर का। दूसरे वीक में 60-40 का रेशियो होता है, और थर्ड वीक में 70-30 का रेशियो होता है, और उसके बाद सेम एज वीक 3। तो चलिए, आपको आसानी से समझ में आ सके इसलिए हम दंगल मूवी का एग्जांपल लेते हैं। प्रोड्यूसर ने दंगल मूवी बनाने के लिए 70 करोड़ रुपीस का खर्चा किया। अब इसमें जो हीरो है आमिर खान, वो ही प्रोड्यूसर था और वही डिस्ट्रीब्यूटर था। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, मूवी का मार्केटिंग करेगा, यानी कि जगह जगह पोस्टर्स लगवाएगा, ऑनलाइन और टीवी पर उसका ट्रेलर और सॉन्ग्स दिखाएगा। तो मान लेते हैं उसका खर्चा हुआ 10 करोड़, तो मूवी का टोटल बजट हुआ 70 करोड़ और 10 करोड़, यानी कि टोटल हुआ 80 करोड़ रुपीस। और अब डिस्ट्रीब्यूटर 80 करोड़ का खर्चा करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर टीवी चैनल वालों को मूवी दिखाने का राइट्स बेचता है, और टीवी चैनल वाले उसके 15 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं,
और अब ये डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी सेल करता है, और ये सब डिस्ट्रीब्यूटर थिएटर के ओनर के साथ एक एग्रीमेंट करता है और मूवी दिखाने का परमिशन देता है। हकीकत में दंगल मूवी ने कमाए हैं 2200 करोड़ रुपए। तो चलिए मान लेते हैं थिएटर के ओनर ने मूवी के टिकट्स बेचकर कमाए 2200 करोड़ रुपए। मैं आपको समझाने के लिए सिंगल स्क्रीन का एग्जांपल ले रहा हूँ। सिंगल स्क्रीन के थिएटर का रेशियो है 25-75%, यानी कि 2200 करोड़ का 25% मिलता है थिएटर के ओनर को और 75% मिलता है डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी कि 550 करोड़ रुपए मिलेंगे थिएटर के ओनर को और 1650 करोड़ रुपए मिलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को। तो डिस्ट्रीब्यूटर को यानी कि आमिर खान को मिले 1650 करोड़ रुपए, और उसमें मैंने टीवी चैनल वालों के 15 करोड़ रुपए ऐड कर दिए, तो मुझे टोटल आंसर मिला 1665 करोड़ रुपए। यानी कि आमिर खान ने क्या किया, 70 करोड़ फेंके और कमा लिए 1665 करोड़ रुपए। इतना इन्वेस्टमेंट तो भाई आजकल कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। अगर आपको इसके जैसा प्रॉफिट कमाना है तो आप भी प्रोड्यूसर बन के एक मूवी बनाइए और उस मूवी को खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर बन के सेल कीजिए। मगर गाइस, आपको ये जितना आसान लगता है उतना भी आसान नहीं है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से कोई ज्ञान और नॉलेज मिला हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि सबको पता चले कि फिल्म इंडस्ट्री पैसा कैसे कमाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।